सो हेलो माई ब्यूटीफुल सोल्स कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए गुड इवनिंग एवरी वन सो गाइस डेली इवनिंग में आपके लिए रीडिंग आया करेगी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर लाइक आज मुझे सजेस्ट किया अंश साहू ने कि मैम आई डोंट नो वो गर्ल है या बॉय बट उन्होंने सजेस्ट किया तो मैं लेकर आई हूँ उन्होंने कहा है कि आप टू पाइल्स में लेकर आया करो करंट फीलिंग्स को सो गाइस आज मैं टू पाइल्स में करंट फीलिंग्स को लेकर आऊँगी बट थोड़ी शॉर्ट वीडियो हो जाएगी ठीक है क्विक रीडिंग हो गई है। देखते हैं आपको मीन्स पसंद आती है या नहीं ठीक है सो so, गाइस आप देख लीजिए अगर, आप so, अगर आपने फर्स्ट पायल है सो गाइस फर्स्ट पाइल अगर आपने चूज के ए आई एल पी के एन एक्स डी टी सी जी आर वी सो आपके ये आ, नेम के लेटर्स होंगे ठीक है सो so, अगर आपने ये पायल चूज़ की है सो so आपका फर्स्ट लेटर होगा बी जेड एफ ओ एच एम एस क्यू यू वाई डब्ल्यू जे सो गाइस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है so, सो जल्दी से क्विक रीडिंग होगी ज़्यादा बड़ी नहीं मैं करने वाली बिकॉज मेरे पास थोड़े से टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं मैंने उनको कहा भी था बट इट्स ओके सो अगर आपको पाइल्स में पसंद आती है तो मैं पाइल्स में ही किया करूंगी ठीक है रीडिंग्स सो गाइस देख लेते हैं आपके पार्टनर की अभी करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं? सो गाइस मैं कार्ड्स तो शफल इसी में करूंगी बिकॉज मुझे लगता है कि आपके सामने कार्ड शफल होने चाहिए ठीक है सो so, देख लेते हैं गाइस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं अभी ज्यादा भी क्विक ट्रेडिंग नहीं होगी ठीक है सो so, ओके okay, ये दोनों कार्ड्स आ चुके हैं वन मोर कार्ड नहीं होगी सो सॉरी सॉरी गाइस सिक्स कार्ड्स लेंगे ठीक है हम सिक्स ऑफ मैंने सिक्स बोला एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आपके सामने है गाइस सो गाइस सीज मून कार्ड ओके आप कैंसर साइन हो सकता है आपका ठीक है सो गाइस लगा लेते हैं पहले इनको दो मिनट के लिए द डेवल कार्ड ओके क्वीन ऑफ वॉर्नस कार्ड एंड नाइन ऑफ वॉर्न ओके नाइन ऑफ वर्न एंड टेन ऑफ वाओ ओके स्पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ऑल्सो किंग ऑफ पेंटिकल्स ओके गाइज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी क्या चल रही हैं सो गाइज वो बहुत ज़्यादा लाइक uh, like अभी तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है uh, उनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है उनकी ठीक है बट आपके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं वो फुल आपके ऊपर नज़र रहती है थी उनकी किंग ऑफ पेंटिकल्स है अच्छी फैमिली से हो सकते हैं ठीक है अर्थ साइन हो सकते हैं वो टॉरस वो कैप्रिकॉन बिकॉज यहाँ पे कैप्रिकॉन साइन उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज ठीक है या फिर आपका भी हो सकता है आपका लगन वगैरह हो सकता है टॉरस वो कैप्रिकॉन में लगन या आपका सन मोन और नॉर्थ नोड में वहाँ पर हो सकता है ठीक है क्योंकि यहाँ पे भी पेंटिकल्स की ही एनर्जी है लाइक like, अच्छी फैमिली से हो सकते हैं आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है सो so, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं वो क्वीन ऑफ वर्ण्स है यहाँ पे गाइस आपकी सिचुएशन लग रही है आप बहुत इंट्यूटिव हो बहुत अच्छे हो ठीक है अट्रैक्टिव है अट्रैक्टिव हो बहुत ज़्यादा आप ठीक है आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्शन फील करते हैं ठीक है नाइन ऑफ वर्नस है गाइज सो गाइज ब्रेड टेकिंग मतलब इतना बोल नहीं होता है ठीक है so, सो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा सो गाइज नाइन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड्स है आपके पर्सन है जो वो स्टैंड आउट मीन्स आपके लिए खड़े होंगे मीन्स वो आप अभी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी देख रहे हैं ठीक है उनके ऊपर वर्क लोड बहुत ज़्यादा हो सकता है अभी आज के दिन बहुत ज़्यादा वर्क लोड हो सकता है बिजी हो सकते हैं ठीक है या फिर वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो सकते हैं लाइक बहुत ज़्यादा सो रहे हैं बहुत ज़्यादा खा रहे हैं बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं लाइक थक चुके होंगे वो आज ठीक है एडिक्शन वगैरह भी हो सकता है उनको कोई ना कोई सो so, यहाँ पे दिख रहा है मुझे नाइन ऑफ ऑनज है वो अपने बट वो अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको लगन से कर रहे हैं ठीक है ठीके? जैसे भी कर रहे हैं ठीक है ठीके? आपके ऊपर बट उनकी नज़र है आपको स्टॉक वगैरह कर रहे हैं जब भी उनको टाइम मिलता है आपको मैसेज भी आता होगा अगर आपका उनसे कॉन्टैक्ट है ठीक है फर्स्ट चक्र आर के एंजल माइकल गाइज आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनको लाइक like इसके ऊपर ही अट्रैक्शन का कार्ड आ चुका है गाइज आर के एंजल माइकल आपके साथ है आपके पर्सन के साथ है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्चुअली अट्रैक्टिव है आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ ठीक है सो आर के एंजल माइकल आपको कह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए एट नंबर गाइस शनि का भी होता है ठीक है थर्टी फाइव एज हो सकती है उनकी आपकी पर्सन की सो so, उनकी एज थर्टी फाइव हो सकती है या फिर एट नंबर उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है सो गाइज सेवन चक्कर आर के यूरियल गाइज आर के एंजल्स आ रहे हैं यहाँ पर आपके रीडिंग में आर के एन लाइक लास्ट बेस चक्र एंड फर्स्ट चक्र उनकी जो भी है चक्र बैलेंस हो रहे हैं ठीक है थीके? बहुत ज़्यादा लाइक like सारे ही चक्र या फिर वो मेडिटेशन कर रहे हैं लाइक like सो रहे हैं बहुत ज़्यादा ठीक है like, लाइक इस वजह से उनको जो भी है हीलिंग प्रोवाइड हो रही है जिसकी वजह से उनके सेवन uh, से हील हो रहे हैं ठीक है थीके? आपको भी करने की बहुत ज़रूरत है ठीक है सो दैट अगर आपके बीच में कोई भी प्रॉब्लम है हार्डवर्क करते रहो ठीक है like, लाइक जो भी एडिक्शन है आपका कम्प्लीट खत्म हो जाएगा जिससे एंड सेवन चक्र आर एंजल यूरियल गाइस आपको बताया जा रहा है उनका जो भी क्राउन चक्र है उनका बहुत एक्टिवेट हो रहा है उनकी इंट्यूशन आप बता देती है आप क्या कर रहे हो या फिर आपकी इंट्यूशन भी बहुत हाई हो सकती है सो गाइज कॉर्नोकॉपिया आपकी पर्सन लाइक like, यहाँ से भी किंग ऑफ पेंटिकल है उनको कोई कमी नहीं है गाइज़ पैसे वगैरह की ठीक है इलेवन नंबर गाइज इलेवन इलेवन पोर्टल अभी होके हटा है सो so, आपकी पर्सन की लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है वो आपको फ़ील कर रहे हैं कि आप ही उनके पार्टनर हो क्योंकि उनकी इंट्यूशन उनको बता रही है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं गाइज़ वो द वर्ड कार्ड उनको पता गाइज सीरियस ओ oh माई गॉड गाइस इसको अगर ऐड करेंगे ट्वेंटी नाइन आपके लिए ट्वेंटी नाइन नंबर भी इम्पोर्टेंट इलेवन इलेवन ये मंथ भी इलेवन है एंड कल ही इलेवन इलेवन का पोर्टल हुआ है गाइस सो या गाइस ये क्विक रीडिंग होगी और आपको एट अ टाइम मिल जाया करेगी ठीक है अभी मैं दोपहर हुई है लाइक इवनिंग टाइम है ये थोड़ा सा ठीक है डिनर वगैर लंच वगैरह कर कर के हम ऊपर आई हूँ मैं आपके लिए रीडिंग बनाने सो <laughs> टाइम so, नहीं होता इसलिए मैं मैं ही खुद सब कुछ करती हूँ गाइज़ इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ आपके लिए रीडिंग इतनी बड़ी बड़ी ठीक है मॉर्निंग में आ पाती है एक रीडिंग सो गाइज़ इलेवन इलेवन है यहाँ पर एन इलेवन एम पोर्टल आपकी पर्सन की फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं आपके लिए अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं मुझे यहाँ पे मेरी रीडिंग्स वैसे भी अच्छी आती हैं गाइस ठीक है आई डोंट नो वाई मेरी रीडिंग्स अच्छी होती हैं ज़्यादा लाइक uh, like, बहुत ज़्यादा ड्रावनी नहीं होती लाइक like, कभी कभी हो जाता होगा बट नहीं ज़्यादातर तो मेरी रीडिंग्स अच्छी आती हैं सो गाइज़ अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग मैंने कहा आप मेरी रीडिंग्स अच्छी आती है तो न्यू स्टार्ट आ रहा है गाइज़ आपकी लाइफ में ऑफकोर्स इलेवन इलेवन पोर्टल अभी ख़त्म हुआ है सो न्यू स्टार्ट आ रही है आपकी तरफ ठीक है सो so, गाइज़ मैं आपके सामने ही शफल करती हूँ एंड इमोशन्स आर रनिंग हाई गाइज़ वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं मैंने बताया ना अभी आपको उनकी इंट्यूशन आपकी तरफ ही लेकर आ रही है उनको वो इंटुएटिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा उनका क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है उनको यूनिवर्स बहुत सारे मैसेजेस सेंड कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो लाइक like मुझे यहाँ पर कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं लग रहा है बस वो थोड़ा सा अपने वर्क के ऊपर फोकस करके बैठे हैं इमोशन्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए उनको पता है कि आप ही उनकी बातें समझ पाते हो ठीक है सो गाइज बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी बॉटम ऑफ डेक्थ था ये आपको कहा जा रहा है आप बैलेंस करिए स्पिरिचुअलिटी को एंड प्रैक्टिकलिटी को अपनी लाइफ में ठीक है थोड़े से प्रैक्टिकल भी हुई मतलब हर एक चीज़ को देखना जानिए ठीक है, है देख देख कर मतलब करिए लाइक एंड ऑल्सो गाइज स्पिरिचुअल भी हुई है थोड़ा गॉड की तरफ भी अपना ध्यान दीजिए ठीक है भगवान आपको सद्भु मतलब अच्छे से मतलब सब कुछ दे सब कुछ ब्लेसिंग्स दे आपको ठीक है फुल मोन इन पाइसिस सो so, आपके लिए पाइसिस साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है टॉर्स वो कैप्रिकॉन एंड एरिसो सैज एरिस लियो सैज एंड जेमनाई लिब्रा इक्वेरीज में से लिब्रा साइन इंपॉर्टेंट है गाइस ठीक है लिब्रा साइन इज ऑल्सो साइन ऑफ शनिदेव जी ठीक है सो so गाइज अभी भी वैसे भी बिकॉज गाइज एनर्जीज डेली इसलिए मैं चेक करूँगी बिकॉज uh, हमारी जो कुंडली है उसमें बहुत सारे प्लानट्स होते हैं एंड प्लान्स जो है डेली लाइक like डेली नहीं होते मतलब उनकी सिचुएशन चेंज होती जाती है कभी यहाँ 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 ठीक है कुंडली में वो एक ही घर में नहीं बैठे रहते ठीक है कभी मास रेट्रोग्रेड हो जाता है कभी डायरेक्ट हो जाता है कभी मर्करी रेट्रोग्रेड हो जाता है सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं सो इतना ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगी ठीक है इमोशन बहुत हाई हो रहे हैं उनके अभी अभी फुल मून भी आया था ठीक है उसकी वजह से भी होगा एंड ऑल्सो गाइज अभी अभी इलेवन इलेवन पोर्टल होकर गया है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो रहे हैं वो आपकी तरफ ठीक है आपके लिए फोर्टी वन नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है इलेवन नंबर एट नंबर थर्टी फाइव नंबर एंड फाइव नंबर एंड इलेवन इलेवन आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा ठीक है सो so, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली हैं ठीक है सो so, गाइज़ अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मीन्स कल ठीक है सो गाइज सेकेंड पायल देख लेते हैं अभी हम क्या आते हैं उनके लिए सो हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल पीपल टैरो सो गाइस आप कैसे हो लाइक फर्स्ट फाइल तो हो चुकी है बहुत अच्छी रीडिंग आई उनकी ठीक है अभी गाइस मुझे किसी ने सुजेस्ट किया अर्ंश साहू ने मैं उनका उन्होंने कहा कि आप टू फाइल्स में लेकर आया करो करंट रीडिंग्स करंट फीलिंग्स को आपके हमारे पार्टनर की सो so दैट हमसे ज़्यादा रेजोनेट हो पाए सो गाइस मैं आज से डेली आपके लिए शॉर्ट रीडिंग हुआ करेगी ठीक है बट क्विक रीडिंग हुआ करेगी लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी वन मिनट्स की रीडिंग होगी एंड ऑल्सो आपके लिए दो फाइल्स होंगी जिसमें ठीक है इनक्लूडेड सो गाइज अगर आपकी सेकेंड फाइल है लाइक like आपने बी जेड एफ ओ एच जे एम एस क्यू यू वाई डब्ल्यू सो आपका ये लेटर आता है आपका नेम ऑफ लेटर ये है सो so आपकी रीडिंग हम देख लेते हैं अब क्या आता है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी क्या चल रही हैं अभी अभी इलेवेन इलेवन पोर्टल हो के गया है सो so उसका भी असर होता होगा ठीक है थोड़ा थोड़ा असर उसका भी होगा आपके पार्टनर के ऊपर आज सो so देख लेते हैं क्या चल रहा है उनके माइंड में जो आपको नहीं बता रहे हैं वो अभी ठीक है सो गाइज देख लेते हैं अभी हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी सो so गाइज आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को लाइक like कर देना वीडियो को एंड ऑल्सो गाइज कमेंट करना आपने कौन सी पाइल चूज की एंड आपसे रेजोनेट हुई या नहीं हुई एंड गाइस आपको एक बात बता दूँ शॉर्ट रीडिंग हुआ करेगी ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुआ करेगी ठीक है सो ओ माय गॉड गाइस मेरे मतलब मैं ये समझ पा रही हूँ कि मुझे रीडिंग्स कलेक्टिव ही करनी चाहिए बिकॉज मैंने आपके सामने शफल भी किए कार्ड्स अभी तो ये दोनों कार्ड्स फर्स्ट फाइल में भी थे गाइस आप फर्स्ट फाइल भी देख सकते हो ठीक है आपके लिए फर्स्ट फाइल भी होगी So, थोड़ी सी एनर्जीज चेंज होंगी बाकी तो सब वाओ गाइस वाओ अमेजिंग गाइस अमेजिंग ओ एम जी सो मैं तो चाहती हूं कि अच्छी फीलिंग्स हो बट इतनी ज्यादा अच्छी कि मतलब मैं क्या ही सोचू गाइस ओ माय गॉड ओके ये कौन सा कार्ड था अभी मेरे सामने कोई कार्ड आया था बट मैंने उसको नीचे कर दिया ओके okay, नहीं ये नहीं था आई थिंक वो ओके इट्स ओके नहीं आना चाहता वो कार्ड सो so, वो मेरे हिसाब से कार्ड था व्हील ऑफ फॉर्चून का गाइस अभी तो आप, आप और यहाँ आपके पर्सन ठीक है बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं वो ठीक है जैसे बंधे हुए हैं वो उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें ठीक है अपनी लाइफ में वो बंधे हुए फील कर रहे हैं अभी या फिर उनकी सिचुएशन पहले ही ऐसी थी बट अभी तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है गाइज आपके लिए तो वो इतनी अच्छी थिंकिंग कर रहे हैं ना आपको कार्ड्स ही दिख रहे हैं गाइज <laughs> ओके यहाँ से हेल्प कार्ड है, है गाइज़ आपके लिए प्रपोजल आने वाला है शादी वगैरह के लिए वाओ गवर्नमेंट जॉब में हो सकती है आपके पर्सन गाइस फाइव नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है हेर ऑफ कार्ड है शादी वगैरह के लिए आपके बारे में सोच रहे हैं थिंकिंग कर रहे हैं वो ठीक है सो गाइस ओहो ओके 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 गाइस ओके ओ माई गॉड गाइस बैक टू बैक मेजर गाना गाइज सी दिस आई सी दिस ओ माई गॉड बाइन ऑफ एट ऑफ़ स्वॉर्ड्स के नीचे ही ये इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स देख लीजिए आप खुद ही देख लीजिए लाइक एम्प्रे एम्प्रेस ओके बट ये कार्ड्स हम नहीं लेंगे बिकॉज़ ये नीचे से आए थे बस मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ी वाली ट्रांसफॉर्मेशन जो कि वो झेल नहीं पा रहे हैं गए ठीक है वो सोच रहे हैं कि वो क्या करें अपनी थिंकिंग में ही वो उनको पता नहीं चल रहा कि वो अगर यहाँ से चलकर आगे बढ़ जाएं तो वो अपने हाथ किसी और से भी खुलवा सकते हैं उस उसके साइड पे तलवार है बट उसके आगे ऐसे साइड पे जगह है कि वो वहाँ से चल के जा सकते हैं बट वो खुद समझ नहीं पा रहे उनको क्या है क्योंकि उनकी आइज़ क्लोज uh, है उनकी आइज़ को बांध रखा है सो दैट्स वाई ही इज़ नॉट थिंकिंग लाइक दिस लाइक उनको पता है कि आप उनके लिए बेस्ट हो गाइज उनकी फ़ैमिली बहुत अच्छी लाइक रिच फैमिली से हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा ठीक है गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स है उनका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा गाइस प्रॉफिट में जा रहा है अभी ठीक है अगर वो बिज़नेस करते हैं लाइक सो गाइस वाइस वैसा हो सकती है आपकी भी फीलिंग्स हो सकती हैं ये ठीक है थोड़ी थोड़ी आपसे भी मैच हो सकती है रीडिंग और आपके पार्टनर से भी ये हो गई मैच सो so, गाइज स्टार कार्ड है यहाँ पे आपके लिए इक्वेरियस साइन एरीज साइन स्कॉर्पियो साइन टॉरस वो गो कैप्रिकॉन वेरी इंपॉर्टेंट साइन ठीक है सो गाइस उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं या फिर आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही है गाइज़ ठीक है आपको वो स्टार मानते हैं गाइज ठीक है आपको वो स्टार मान रहे हैं सो so, या फिर वो स्टार बनने जा रहे हैं गाइज़ उनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं गाइज़ नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, है लाइक उनकी लाइफ में कोई कमी नहीं होगी इसके बाद इलेवन इलेवन पोर्टल उनको ऊपर उठाने के लिए आया है उनकी लाइफ में प्रॉफिट्स होंगे बिजनेस होगा उनकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं ठीक है वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे से ठीक है बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं किसी चीज़ पे अगर उन्होंने अपने लिए आपके पार्टनर ने कोई लाइक अपनी फेसबुक आईडी या फिर इंस्टाग्राम आईडी जो भी उन्होंने बनाया वहाँ पे वो फेमस होने वाले हैं या फिर हो रहे हैं सक्सेसफुल मिल रहा है उनको ठीक है क्वीन ऑफ वांट्स है वो आपकी अपनी लाइफ में लाइक इंटिव हो सकते हैं आपके पर्सन या अगर आपकी इनर्जीज हैं गाइज़ आप फर्स्ट फाइल भी देखना ज़रूर आपके लिए मैसेज है वहाँ पर ठीक है क्वीन ऑफ वॉन्ट्स है गाइज यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको समझ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो आपको पता चल जाता है जो आप सोच रहे होते हो उस, उसी टाइम वो भी वही सोच रहे होते हैं ठीक है अगर वो मैसेज आपको कर रहे हैं लाइक वो रुक गए वहीं पे बट आप उनको मैसेज कर लोगे ठीक है ऐसी सिचुएशन होती है आपके अंदर ठीक है आप दोनों के अंदर न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में वो आपकी तरफ आना चाहते हैं अभी थोड़ा सा किसी चीज़ में चक है वो ठीक है उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उनका माइंड चेंज हो रहा है ठीक है सो गाइज नाइन नंबर आप आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए मंगल ग्रह इंपॉर्टेंट हो सकता है ठीक है सो हनुमान जी की आराधना करिए सो गाइज आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा वॉकिंग अवे आपको कहा जा रहा है गाइज वॉक अवे करिए जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ठीक है एंड बटरफ्लाइज आपको दिख रही होंगी तो आपके लिए ये साइन है कि आपकी रीडिंग है ये ठीक है सो so, आपके पर्सन बहुत अच्छी फीलिंग्स में बैठी है गाइज आपकी जैसी भी फीलिंग्स है आप वैसे ही रखना अगर आप उनके बारे में लेट वो करके बैठे हो उनको ऐसे ही रखना अगर आप उनको लाइक इंट इंटिव मतलब अपने मैनिफेस्ट कर रहे हो आप उन पर्सन को ठीक है सो so, आप उनको मैनिफेस्ट कर दे रहे हो लाइक हीलर ऑफ द एजिस गाइस स्टार के ऊपर ही हीलर ऑफ द एजिस आ चुके हैं गाइस ये भी हीलिंग का ही कार्ड है ये भी हीलिंग ठीक है आपके पर्सन हीलर वगैरह हो सकते हैं टेरर कार्ड रीडर्स हो सकते हैं ठीक है थीके? मतलब या फिर उनको उनके हैंड्स की पावर हैंड्स में कोई पावर है लाइक हाथों से काम करते हैं ठीक है हीलिंग वगैरह अच्छी हो जा करते हैं लाइक रेकी वगैरह रेकी मास्टर हो सकते हैं आपके पर्सन जर्नी गाइस आपको कहा जा रहा है कि आपके पर्सन कोई ना कोई जर्नी पे जा रहे हैं मींस अगर वो यूट्यूबर हैं लाइक फॉर एग्जांपल वो जो यूट्यूबर है ठीक है तो आपकी पर्सन की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है लाइक like वो अपने बिजनेस को ग्लो करने वाले ब्लो ग्लो आउट होने वाला है ठीक है जैसे वो एकदम से ही उनकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे गाइस कोई न्यू जर्नी पे जाने वाले है, उनके लिए या आपके लिए टू नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है फेबररी मंथ टू नंबर उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है उन कुछ भी ठीक है एंड ऑल्सो वन प्लस वन अगर इलेवन इलेवन को भी जोड़े तो वन प्लस वन कितना होता है इलेवन को टू बन जाता है ठीक है फाइव प्लस वन सिक्स नंबर आपके लिए वीनस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ठीक है यहाँ से भी शनि देव जी ही आ गयाेरिस साइन भी शनि देव जी का ही होता है गाइस एरिस साइन मंगल का होता है ठीक है मैंने कहा मास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे एरिस सेचुर एंड मंगल ठीक है इसका मीनिंग होता है गाइस आप जैसे कोई वर्कर्स होते हैं ना अपने नीचे वर्कर्स होते हैं उनके साथ काम करोगे ठीक है मिल बांट के ठीक है उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे आप कहा जाएगा कि आप ध्यान रखिए आप आपके पर्सन का को कोई ना कोई एक्सीडेंट वगैरह भी होया होगा पास्ट में आपसे अगर ये चीज रिजोनेट हो तो ठीक है स्पेसिफिक मैसेज था ठीक है ये वॉकिंग वे ट्वेंटी नाइन नंबर ट्वेंटी सेवन नंबर सो गाइज स्ट्रेटजी गॉड आपके लिए स्ट्रेटजी बना रहे गाइज़ दोनों के लिए सो बी रेडी गाइज यहाँ से मुझे दिख रहा है वो आपके पर्सन के साथ आपकी शादी वगैरह होना पक्का है तय है ठीक है यहाँ से मुझे ऐसे ही लग रहा है बिकॉज इतनी अच्छी रीडिंग आई है ना आप दोनों की लाइक like, पूछे ही मत मैं खुश शौक हूँ इतने अच्छे अच्छे बैक टू बैक यहाँ से भी नीचे मैंने आपको कार्ड दिखाए बहुत अच्छी रीडिंग आई है गाइज़ ठीक है मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या एडवाइज़ है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट सो गाइज़ कुछ टाइम निकालिए अपने लिए ठीक है आपको कहा जा रहा है कुछ टाइम निकालिए ब्रीथ आउट करने के लिए ठीक है अपने लिए सांस लीजिए अकेले ताज़ी हवा ले सकते हैं फ्रेश ईयर लीजिए ठीक है एंड अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते जा रहे हो तो आपको रेस्ट लेने की बहुत ज़रूरत है ठीक है यहाँ से और देख लेते क्या है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन सो गाइज अगर आप ओवर थिंकिंग वगैरह करते हो ठीक है कि ये पर्सन नहीं मेरे को या फिर आपकी ही एनर्जीज हो सकती है ठीक है सो अगर आप ओवर थेकिंग वगैरह करते हो तो इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है ठीक है सो गाइज़ आपके पर्सन आपकी तरफ खुद आ रहे हैं अगर आप उनको लेट गो कर रखे हैं मीन्स आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो लेट गो करके सो so, गाइज वो पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आ रहे हैं बस आप फीलिंग्स वगैरह की जैसे करंट फीलिंग्स की रीडिंग आप देख रहे हो तो आपको सब कुछ पता चल जाता होगा ठीक है डैंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच सो गाइज आपकी लाइफ में कुछ भी टफ साइकिल चल रहा है उसका एंड होने वाला है इलेवन इलेवन जो भी पोर्टल था हमारा ठीक है उसमें आपकी जो भी सिचुएशन चल रही थी उस उसके पहले वाली सो so वो सब चीज़ें खत्म होने वाले जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ पैदा कर रही थी आपकी यूनियन में डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर रही थी सो गाइज आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो टिल देन मीन्स मॉर्निंग में मिलेंगे सो टिल देन टेक केयर स्टे हेल्थी लव यू एवरी वन बाय